मैं सत्येंद्र कुमार विजन क्लासेज इटवा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट टू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण उसको कहा जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको यदि हम संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अर्थात यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर जल प्राप्त होता है। ये हिंदी में ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। लेकिन हम इसी को यदि संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2, ये इसको अभिक्रिया करके यानी कि H2O बनाता है, ये जल बनाता है, समझ रहे। तो इसी को यदि हम एक समीकरण के माध्यम से लिख दिए, संकेत के माध्यम से लिख दिए, तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी इसी को ये पूरा रूप लिख दिए हैं छोटा रूप में, यानी संकेत और सूत्र के माध्यम से इसी चीज को, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। इसमें स्पष्ट लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, यानी ये भाग ले रहा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, और अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये प्राप्त हो रहा है। प्राप्त पदार्थ को जब संकेत या सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें देखो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जल प्राप्त होता है, तो इसको संकेत हाइड्रोजन का संकेत H2 और ऑक्सीजन का O2 लिखे और ये H2O यानी जल बनाया, तो इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। दूसरा है कि पोटेशियम क्लोरेट, यानी पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं, यहाँ पे ये हीट का निशान है, गर्म करने पर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनाता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, यानी कि ये एक सूत्र के माध्यम से लिखे, संकेत के माध्यम से लिखे, तो ये हमारा पूरा रिएक्शन का जो अभिक्रिया संकेत सूत्र लिखे वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। फिर इसके बाद आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है यानी H2O। यानी यही चीज को हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, संकेत और सूत्र के माध्यम से लिख रहे हैं। तो ये संकेत और सूत्र के माध्यम से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण में कैसे दो तरह के, मान लेते हैं अगर हम इसको देखो संतुलित कर दिया, यहाँ दो दो से मल्टीप्लाई किए संतुलित हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना हुआ, दो दुना चार, तो इधर भी चार है और ये O2 है तो ये भी दो हो गया ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से ये संतुलित है। अगर इसको नहीं मल्टीप्लाई करते दो से तो क्या होता, ये असंतुलित होता, जैसे कि नीचे वाला में ये दोनों में है असंतुलित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम देखते हैं इस प्रकार रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे कि H2 प्लस Cl2
ये बनाता है क्या, तो ये H2 और Cl2 ये क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक कर रहा है, जिसमें सॉरी यहां दो बार लिखा गया, जिसमें जिसमें एक कट कर देते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारको, तो ये अभिकारक हो गया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, एवं प्रतिफल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, यानी कि ये HCl बन रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिफल हो गया, कि में मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणु यानी इसमें जो भी तत्व मौजूद है H2Cl2 इसका परमाणु है, परमाणु की संख्या अगर दोनों तरफ यानी कि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ अगर बराबर हो तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हम इस रासायनिक समीकरण में अगर हम इधर से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। जैसे कि अब देखो हाइड्रोजन का इधर परमाणु कितना है, दो है, फिर क्लोरीन का परमाणु कितना है, दो है, तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु अभिकारक के तरफ दो है, तो इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु दो है ना, दो से मल्टीप्लाई यानी दो है, फिर क्लोरीन का परमाणु इधर दो है, तो इधर भी क्लोरीन का परमाणु है, दो से मल्टीप्लाई, तो दोनों के लिए मल्टीप्लाई है, तो ये दो तरह का हो गया। फिर दूसरा आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, अब इसमें देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण जस्ट इसका उल्टा होगा, क्या होगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर ना हो, यानी कि इसमें साफ स्पष्ट होता है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के में मौजूद प्रत्येक तत्व का परमाणु जो होगा, परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि H2+O2 ये बनाता क्या है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करके क्या करता है, जल बनाता है। अब देखो जल बनाता है, लेकिन इसमें अब हम अभिकारक की ओर मौजूद तत्व और प्रतिफल की ओर मौजूद तत्व दोनों को मिलाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर परमाणु दो है, लेकिन इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु दो है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का परमाणु दो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब आगे चल, तो हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे लिखे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, देखो एक समीकरण लिए हुए हैं KClO3 और अभिक्रिया करके KCl और O2 बनाता है, ठीक है, यानी कि ये पोटेशियम क्लोरेट अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए हम सिंपल एक उपाय लेते हैं, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, क्या कहते हैं, टेबल बनाते हैं। देखो ये टेबल सबको ध्यान से देखेगा, तो ये टेबल बहुत सिंपल है, ये इसमें तत्व हो गया, ये तत्व और ये अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल, ठीक है। अब तत्व का नाम यानी रासायनिक समीकरण में भाग कौन कौन ले रहा है, तो पोटेशियम पहला कौन ले रहा है, पोटेशियम, तो तत्व की तरफ लिख देंगे, फिर क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन हम लिख देंगे, फिर ये ऑक्सीजन। अब यहां पे देख करके बता सकते हैं आप लोग कि पोटेशियम यानी अभिकारक की ओर पोटेशियम कितना परमाणु है, तो एक है, और क्लोरीन कितना परमाणु है, तो ये भी एक है, फिर दूसरा
ऑक्सीजन कितना परमाणु है, तो ये तीन है। उसी तरह से आप इधर आकर के देखते हैं तो पोटेशियम कितना परमाणु है प्रतिफल की तरफ, तो ये एक है। क्लोरीन कितना है, तो ये भी एक है। और ऑक्सीजन कितना है, दो है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं इस टेबल के माध्यम से संतुलित कैसे करते हैं। इसको एक बार और लिख लेते हैं, KCLO3 और ये दिया हुआ है KCl+O2। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि पोटेशियम अभिकारक की तरफ एक है, तो इधर भी एक है, प्रतिफल की तरफ भी एक है, यानी कि ये बराबर है। फिर चलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ चलते हैं, तो ये भी अभिकारक की तरफ एक है और प्रतिफल की तरफ भी एक है, यानी ये भी बराबर है। नेक्स्ट अब तीसरा आते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन अभिकारक की तरफ तीन है और प्रतिफल की तरफ कितना है, दो है। इसका मतलब इसको बराबर करना होगा। अब बराबर करेंगे तो हम मान लेते हैं कि यदि ये अभिकारक ये प्रतिफल की तरफ बराबर करते हैं तो ये तो बराबर होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर से तीन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर क्या किए, तीन से मल्टीप्लाई किए और इधर दो से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से, दो से, अर्थात यानी अभिकारक में हम कितना कर रहे हैं, दो से कर रहे हैं। तो जो भी करेंगे दो अभिकारक की तरफ जब दो से किए तो देखो इस सब में गुना हो गया, के में भी, पोटेशियम में भी और क्लोरीन में भी, अर्थात यहां भी दो यहां भी दो होगा ना, यानी दो से गुना किए एक में, यानी कि जब कोई यौगिक हो एक में रहे तो उसमें एक में गुना करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो से किए तो ये इसमें भी हो गया इसमें भी, और ऑक्सीजन को इसमें तीन से गुना किए इधर प्रतिफल तरफ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन अब बराबर हो गया, तीन दुना छ, तीन दुना छ, यहाँ भी देखते हैं दो दिया छ और यहाँ तीन दुना छ, यानी ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन अब देखते हैं क्लोरीन और पोटेशियम और क्लोरीन का, तो ये गड़बड़ हो गया। अब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पोटेशियम दो इधर हो गया अभिकारक तरफ, अभिकारक तरफ पोटेशियम दो हो गया लेकिन इधर एक ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई दो से कर देंगे, तो ये प्रतिफल की तरफ दो से गुना हो गया। अब इसमें करेंगे तो देखो क्लोरीन भी साथ में है तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आप देखो इधर भी पोटेशियम दो तो इधर प्रतिफल की तरफ भी दो, क्लोरीन भी इधर की तरफ दो तो इधर भी दो, यानी सब तरफ बराबर हो गया। यहाँ भी मिला के देख सकते हैं पोटेशियम दो है तो इधर भी पोटेशियम दो है, क्लोरीन दो है तो क्लोरीन यहाँ भी दो है, ऑक्सीजन देखो दो तिहाई छ है तो ये भी तीन दुना का छ है, यानी इस प्रकार से ये समीकरण जो होगा वो बराबर हो गया, यानी संतुलित हो गया। अब दूसरा एक समीकरण लेते हैं, दूसरा समीकरण Mg+HCl Mg यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं तो ये बनाता क्या है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2+MgCl2+H2+ क्या कहता है H2 गैस बनाता है। अब इसमें देखते हैं तो इसमें भी इसी तरह से क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, देख ले एक टेबल बनाते हैं, तो ये टेबल बना दिया हमने, सॉरी आओ ऊपर बनाते हैं, एकदम जस्ट इसी टाइप में चलेंगे, ये टेबल बनाए, इसमें तत्व को लिखेंगे, इसमें अभिकारक को लिखेंगे और इसमें प्रतिफल को लिखेंगे। ठीक है, प्रतिफल को, तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से तत्व भाग लिया हुआ है, तो एक दो तीन, यानी मैग्नीशियम है, Mg है, फिर हाइड्रोजन है और फिर क्लोरीन है, ये तीन गो अभिक्रिया मतलब तीन गो तत्व जो है वो भाग लिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, तो मैग्नीशियम कितना है अभिकारक की तरफ एक है, तो एक से क्या करेंगे इधर एक लिखेंगे अभिकारक में, और हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ एक है तो एक लिखेंगे, क्लोरीन कितना है तो एक, ये भी एक है तो एक लिखेंगे। अब प्रतिफल की ओर चलते हैं तो मैग्नीशियम इधर कितना है तो एक है तो एक लिखेंगे, क्लोरीन कितना है तो दो है तो दो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन के सामने, और हाइड्रोजन कितना है तो दो है, यहीं पे देखो गड़बड़ हो गया। तो जैसे
अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो मैग्नेशियम तो बराबर है, इसको कोई करने कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हाइड्रोजन को बराबर करेंगे क्योंकि अभिकारक की तरफ एक है और प्रतिफल की तरफ दो है, तो क्या करेंगे इधर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन में। तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ साथ है, तो ये हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि यहां भी हाइड्रोजन को भी दो से मल्टीप्लाई करना होगा, हाइड्रोजन में भी दो से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखते हैं तो अब मैग्नेशियम में अभिकारक की तरफ एक, प्रतिफल की तरफ भी एक, हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ दो तो इधर भी प्रतिफल की तरफ भी दो हो गया, और क्लोरीन तत्व जो है इधर भी दो, सॉरी क्लोरीन के इधर भी दो है इधर भी दो है, यहां भी देख कर सकते हैं। एक और इसको अलग लिख देते हैं, Mg प्लस HCl और ये हो जाएगा MgCl2 प्लस H2, यानी यहां दो से मल्टीप्लाई किए थे। तो देखो मैग्नीशियम एक है इधर, इधर भी एक परमाणु है, हाइड्रोजन का दो परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन का दो परमाणु, क्लोरीन का दो मल्टीप्लाई यानी दो परमाणु, तो इधर भी क्लोरीन का दो परमाणु हो गया, यानी इस प्रकार से ये समीकरण जो हुआ वो बैलेंस समीकरण कहलाएगा, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं एक और, Mg प्लस O2, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो MgO बनाता है, क्या बनाता है MgO बनाता है। तो देखो देखते हैं इसमें, तो इसमें भी एक टेबल बना लेंगे इस तरह से, ये टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने बनाएंगे तो ये इसमें भी लिख देंगे उसी तरह से, ये हो गया तत्व, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल, ठीक है। तो तत्व में कौन कौन है, तो ये Mg है और दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है ऑक्सीजन है। अब इसमें अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम कितना है, तो एक है ऑक्सीजन, ये अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितना है, तो दो है। फिर इधर आते हैं तो मैग्नीशियम इधर कितना है, एक है, ऑक्सीजन इधर एक है। अब यहां से हम स्पष्ट हम लोगों को मालूम चल रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन इधर अभिकारक की तरफ दो है लेकिन प्रतिफल एक है, तो क्या करेंगे प्रतिफल में दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो करते हैं, Mg प्लस O2, ये हो जाएगा 2MgO, यानी कि प्रतिफल की तरफ दो से मल्टीप्लाई किए तो इधर एक ऑक्सीजन ही नहीं था बल्कि Mg भी था, यानी कि मैग्नीशियम में भी क्या हो गया दो से मल्टीप्लाई हो गया, किधर प्रतिफल की तरफ, इधर हो गया प्रतिफल की तरफ। तो आप बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि मैग्नीशियम अभिकारक की तरफ भी दो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी दो से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण, देखो संतुलित हो गया, यानी 2Mg इधर मैग्नीशियम दो है परमाणु, तो इधर भी मैग्नीशियम का परमाणु दो है, इधर ऑक्सीजन दो है तो इधर भी ऑक्सीजन मल्टीप्लाई दो से है तो दो है। इस प्रकार अब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये रासायनिक समीकरण जो बैलेंस करते हैं इससे हम लोगों को क्या क्या सूचना मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि इस समीकरण से सूचना मिलता है कि ये जो है एस लिखा हुआ रहता है तो ये सॉलिड अवस्था में हो गया, ये भी एस है तो सॉलिड अवस्था में, गैस है तो ये जी लिखा हुआ यानी गैस अवस्था में। इस प्रकार से हम लोग कई तरह का अभिक्रिया और भी जैसे रासायनिक समीकरण से हम लोगों को प्राप्त होता है कि यह अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है, तो इस विषय पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।